Hello everyone, welcome to Sunflower. In EPS, today I am going to explain chapter 3rd. Chapter name is Growing Up. आई एम ग्रोइंग अप एक छोटा सा बच्चा वो पहले की अपेक्षा थोड़ा वो बड़ा हो गया है तो वो अपने बारे में कह रहा है कि आई एम ग्रोइंग अप मैं अब बड़ा हो गया हूँ वैन मतलब जब आई वॉज अ बेबी आई वॉज अ बेबी मतलब जब मैं बच्चा था आई मतलब मैं वॉज मतलब था और बेबी मतलब एक बच्चा. आई एम ग्रोइंग अप मैं बड़ा हो गया हूं वेन आई वॉज अ बेबी जब मैं एक बच्चा था आई वॉज सो स्मॉल आई वॉज सो स्मॉल आई मतलब मैं मतलब मतलब था so small मतलब बहुत छोटा। एक बेबी कह रहा है अब मैं बड़ा हो गया हूँ जब मैं छोटा था तो जब मैं बेबी था तो मैं बहुत स्मॉल था बहुत छोटा था नाउ नाउम अब आई एम ओल्डर अब मैं ओल्डर हूं मतलब पहले से अब मैं मेरी एज जो है पहले से अब ज्यादा है अब मैं पहले से बड़ा हूं आई एम रियल सॉरी आई एम रियली टॉल अब वास्तव में मैं लंबा हो गया हूं टॉल मतलब लंबा माई हेयर मेरे जो बाल हैं इज ब्लैक वो काले रंग के हैं। माई आईज मेरी जो आंखें हैं आर मतलब है ब्राउन मतलब भूरी मेरी आंखें जो है वो भूरी रंग की है अथिक एक मोटी करली मतलब घुंघराले मोक ऑफ हेयर बालों का जो पोछा है जो करली जो बाल होते हैं घुंघराले जो बाल होते हैं ऐसा लगता है कि बालों के ऊपर कोई चीज पोछे की जैसी कोई चीज रखी हुई है तो अथिक मतलब एक घुंघराले एक मोटे घुंघराले मोक ऑफ हेयर मतलब बालों का जो मुंह बालों का जो बालों का जो समूह है वो फॉर्म्स फॉर्म्स मतलब बनाता है माई क्राउन वो मेरा ताज मेरा मुकुट बनाता है मेरे बाल इस तरह से हैं जैसे लगता है कि मैंने सर के ऊपर मुकुट पहने हुए वंस अगेन आई एम ग्रोइंग अप अब मैं बड़ा हो गया हूँ वेन आई बेबी जब मैं छोटा था आई वॉज सो मैं, मैं बेबी था तो मैं बहुत छोटा था नाउ आई एम ओल्डर अब मैं पहले से, मेरी एज जो है ज्यादा हो गई है अब मैं पहले से बड़ा हो गया हूँ आई एम रियली टॉल अब वास्तव में पहले से मैं टॉल हो गया हूँ मतलब लंबा हो गया हूँ माई हेयर इज ब्लैक मेरे जो बाल है वो ब्लैक है काले कलर के हैं माई आईज आर ब्राउन मेरी जो आंखें हैं वो ब्राउन कलर की है भूरी है thick curly करली मोप hair. एक थिक एक मोटे घुंगाले बालों का समूह फॉर्म्स मतलब बनाता है माई क्राउन मतलब मेरा मुकुट या ताज मेरी बालों का मुकुट ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरे सर के ऊपर मुकुट हो मेरे सर के ऊपर ताज हो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्टैंड आई कैन पैक माई बैग देखिए जब छोटा बच्चा जब बच्चा बहुत छोटा है होता है तो वो पूरी तरह से अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड होता है वो कोई भी काम वो खुद से नहीं कर पाता उसके सारे काम उसके पेरेंट्स करते हैं या उसके एल्डर ब्रदर सिस्टर करते हैं वो अपने से कुछ भी नहीं कर पाता है जैसे जैसे वो ओल्डर होता है जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है तो धीरे धीरे वो खुद से अपनी सारी चीजें करना सीखता है तो बच्चा अपने बारे में बता रहा है कि आई कैन पैक माई बैग मैं अपनी बैग को अब पैक कर सकता हूँ स्कूल बैग जो पहले मम्मी भरती थी उसको मैं अब मैं खुद पैक कर सकता हूँ एंड बात और बात मतलब नहाना और नहा सकता हूँ ऑन माई ओन अपने आप और मैं अपने आप नहा सकता हूँ पहले नहाने के लिए भी वो माँ के ऊपर डिपेंड था माँ उसको नहाती थी लेकिन वो अब खुद से नहा सकता है आई कैन कॉल माई फ्रेंड छोटा बच्चा बोल नहीं सकता है उसे अपने छोटा एक छोटा बच्चा अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए वो सिर्फ या तो रोता है या तो हंसता है वो बोल नहीं सकता लेकिन अब वो उसके पास वर्ड्स हैं उसके पास शब्द हैं अब अपने फीलिंग्स को वर्ड्स के द्वारा एक्सप्रेस कर सकता है अब अपने शब्दों से वह अपने भावों को बता सकता है अब अपने दोस्तों को वह बुला सकता है आई कैन कॉल मैं बुला सकता हूँ माई फ्रेंड्स मतलब अपने दोस्तों को कैसे बुला सकता हूँ ऑन द टेलीफोन अब मैं टेलीफोन तो करके अपने दोस्तों को बुला सकता हूँ आई कैन रीड मैं पढ़ सकता हूँ एंड आई कैन राइड और मैं लिख सकता हूँ मैं पढ़ सकता हूँ और मैं लिख सकता हूँ जब छोटा था तो उसका वेट जो है वो पढ़ भी नहीं सकता था ना वो लिख सकता था लेकिन वो कह रहा है कि आई कैन रीड एंड आई कैन राइड अब मैं पढ़ सकता हूँ और मैं लिख सकता हूँ माई वेट इज मोर अब जो मेरा वेट है वो मोर मतलब ज्यादा है पहले से ज्यादा है अब जो मेरा वेट है मेरा जो भार है वो पहले से ज्यादा है पहले जब मैं छोटा था तो मैं मेरा वेट कम था मैं हल्का था लेकिन अब जो मेरा वेट है वो पहले से ज्यादा है एंड सो इज माई हाइट और इसी तरह से मेरी हाइट भी मेरी ऊंचाई भी जब मैं बेबी था तो मेरी हाइट कम थी मैं काफ़ी छोटा था लेकिन अब मेरी हाइट जो है अब मैं टॉल हो गया हूँ अब मैं लंबा हो गया हूँ मेरी जो हाइट है वो भी क्या हो गई है और मेरे वेट की तरह मेरी हाइट भी मोर हो गई है मतलब ज्यादा हो गई आई कैन गेट आई कैन मैं आई कैन गेट में पा सकता हूं द जार ऑफ कुकीज अब मम्मी जो कुकीज की जार ऊपर रखती थी अलमेरा पे बेबी जब छोटा था तो उस जार को वह जार तक नहीं पहुंच पाता था क्योंकि उसकी हाइट कम थी वो लंबा नहीं था लेकिन धीरे धीरे जैसे वो ओल्डर हुआ उसकी हाइट इंक्रीज हो गई है उसकी लंबाई बढ़ गई है अब वह जार को कुकीज के जार को अब वह पा सकता है ऑन ऑन माई ऑन सभी कुछ अपने से अब जार को वह खुद से पा सकता है खुद से वह जार में से सामान को निकाल भी सकता है आई कैन कॉम मैं कंघी कर सकता हूँ माई हेयर अपने बालों को नीटली मतलब अच्छे से मैं अपने बालों को अच्छे से कंघे कर सकता हूँ तो लेकिन अब मैं ओल्डर अब मैं बड़ा हो गया हूँ अब मैं आई एम ग्रोइंग अप अब मैं बड़ा हो गया हूँ और क्या कर सकता हूँ आई कैन कॉम माई हेयर नीटली अब मैं अपने बालों को अच्छे से कॉम कर सकता हूँ मतलब कंघी कर सकता हूँ फादर से पापा कहते हैं डियर प्रिय हाउ यू हैव grown। तुम कैसे बड़े हो गए तुम इतने बड़े कैसे हो गए जो पेरेंट्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता बच्चा देखते 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 ही देखते कैसे ही, इतना जल्दी इतना बड़ा हो जाता है तो डैड जो है फादर जो है बच्चे को देखकर वो सरप्राइज व्यक्त कर रहे हैं कि तुम इतने जल्दी इतने बड़े कैसे हो गए तो यह जो चैप्टर है ग्रोइंग अप इसमें हमने क्या सीखा एक छोटा सा बच्चा है वह कंपेरिजन कर रहा है जब वो बेबी था जब बच्चा था तो वो कैसा था और जब वो ग्रोइंग अप जब वो बड़ा हो गया है तब वो कैसा हो गया है जब वो छोटा था तो क्या क्या चीज़ें वो नहीं कर सकता था और जैसे जैसे वो ग्रोइंग अप जैसे वो ओल्डर हो गया है वो बहुत सारी चीज़ें जो पहले नहीं कर सकता था अब वो कर सकता है तो वंस अगेन देखते हैं i am growing up मैं बड़ा हो गया हूं वन मिनट फर्स्ट सेंटेंस i am growing up मैं बड़ा हो गया हूं when i was a baby जब मैं छोटा था i was so small जब मैं बेबी था तो i was so small मैं बहुत छोटा था now i am older अब मैं पहले से मेरी उम्र ज्यादा हो गई है मैं पहले से बड़ा हो गया हूँ. i am really tall मैं वास्तव में लंबा हो गया हूँ. माय हेयर इज ब्लैक मेरे जो बाल हैं वो काले हैं माय आईज आर ब्राउन मेरी आंखें भूरी रंग की है, है. अथिक कर्ली मोप ऑफ हेयर एक मोटे घुंघराले बालों का समूह क्रांक्स माय क्राउन वह मेरा ताज बनाते हैं मेरा मुकुट बनाते हैं मतलब मेरे बालों मेरे कर्ली हेयर ऐसे लगता है जैसे मेरे सर के ऊपर मुकुट रखा गया हो पहले बच्चा बताता है कि पहले मैं कोई भी चीज अपने से नहीं कर पाता था लेकिन अब मैं बहुत सारी चीजें खुद से कर लेता हूं तो यहाँ पे वो बता रहा है कि कौन कौन सी चीजें वो खुद से कर ले रहा है आई कैन पैक माई बैग मैं अपने बैग को पैक कर सकता हूँ एंड बात ऑन माई ओन मैं खुद से नहा भी सकता हूं एंड आई कॉल आई कैन कॉल माई फ्रेंड्स ऑन द टेलीफोन मैं फोन पर अपने दोस्तों को बुला सकता हूँ आई कैन रीड मैं पढ़ सकता हूँ आई कैन राइट मैं लिख सकता हूँ माई वेट इज मोर अब मेरा भार जो है ज्यादा है एंड सो इज माई हाइट और मेरी ऊंचाई भी पहले से ज्यादा है आई कैन गेट द जार ऑफ कुकीज मैं आप कुकीज के जार को कुकीज कहते हैं केक बिस्किट जो बेकिंग जितने भी चीजें आती है केक बिस्किट इसको हम कुकीज़ कहते हैं अब हम कुकीज के जार को मैं क्या कर सकता हूँ मैं पा सकता हूँ ऑल माई ऑन ऑल ऑन माई ऑन ये सारी चीज़ें अब मैं खुद से कर सकता हूँ मैं पढ़ सकता हूँ मैं लिख सकता हूँ मैं कुकीज जार के कुकीज के जार को खुद से पा सकता हूँ मैं अपने दोस्तों को कॉल पे बुला सकता हूँ मैं अपना बैग पैक कर सकता हूँ मैं खुद से नहा सकता हूँ इतनी सारी चीज़ें मैं अब खुद से कर सकता हूँ आई कैन कॉम My हेयर आई कैन कॉम my हेयर neatly. मैं अपने बालों को अच्छे से उसको बालों को बना सकता हूँ फादर से पापा कहते हैं डियर हाउ यू हैव grown. तुम कैसे इतने जल्दी इतने बड़े हो गए पापा सरप्राइज होके कहते हैं तुम इतनी जल्दी कैसे इतने बड़े हो गए तो आज आप क्या करेंगे चैप्टर थर्ड ग्रोइंग अप आप इसको पढ़ेंगे और खुद से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें